हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करते हैं हम द हिंदू वोकैबुलरी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे और हम डिस्कस करेंगे आज की वोकैबुलरी। तो पहला वर्ड हमारा आज का है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब हो जाता है एक तरीके से भाव विभोर कर देना, बहुत अच्छा। जैसे शीप ऑफ इट वॉज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब मेरे लिए भाव विभोर करने वाला एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा, अत्यधिक महान, बहुत अच्छे के सेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अनु हैड एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न होम, यानी कि वो बहुत ही उसकी तीव्र इच्छा थी घर आने की। सिनोनिम्स हो जाते हैं इररेजिस्टिबल, ओवरपावरिंग, कैचिंग, कंटेजियस, एपिडेमिक, इन्फेक्शियस। देखो अब यहाँ पे कई लोग कमेंट करेंगे कि एपिडेमिक ओवरवेलमिंग का सिनोनिम कैसे हो सकता है। देखो, सिनोनिम का मतलब होता है कि समवेयर भी रिलेटेबल है तो वो उसे सिनोनिम में रख देते हैं, लेकिन ओवरवेलमिंग का और एपिडेमिक का सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो चूंकि मैंने ओवरवेलमिंग का क्या एक सेंस बताया, एक्सट्रीमली ग्रेट, और एपिडेमिक का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत तेजी से बीमारी फैल रही हो, तो उस सेंस में वो सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि हम यहां ये लिख सकते हैं अनु हैड एन एपिडेमिक डिजायर टू रिटर्न होम, नहीं, कतई ऐसा नहीं है, ठीक है। कमेंट्स का मतलब होता है, एक तो मैं उन लोगों से परेशान हूं जो लोग बिना वीडियो देखे कमेंट करते हैं। मतलब मैं कई वीडियो, जैसे कल एक साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला वीडियो डाला या इंटरव्यू वाला वीडियो डाला, तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि उसमें सर इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं इंग्लिश में, साफ साफ वीडियो में बताया है हर्षित ने कि भाई आपसे वो, आप जब वहाँ जाएं तो आप बता दें कि हम हिंदी में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे, आप उस तरीके से जवाब दे दीजिए। अब आप फिर भी लेकिन वीडियो नहीं देखेंगे, आप कमेंट करेंगे, आप उसमें कमेंट कर रहे हैं कि सर साइकोमेट्रिक टेस्ट तो हुआ ही नहीं था, आप कैसे बता सकते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला है कि एनटीपीसी में हुआ है साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ कमेंट करने से मतलब है। तो खैर, अच्छी बात है, कमेंट करिए, बढ़िया बात है, मेरे मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए कमेंट। कमेंट्स का मतलब होता है टू स्टार्ट और बिगिन, शुरू करना, आरंभ होना। सिनोनिम्स होंगे बिगिन, एम्बार्क ऑन या अपॉन, एंटर इनटू या अपॉन, फॉल टू, गेट ऑफ, किक ऑफ, लॉन्च, लीड ऑफ, ओपन, स्टार्ट या स्ट्राइक इनटू, ये सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके। अगला हमारा वर्ड है सीमलेसली। सीमलेसली आपने देखा होगा ना, कंपनियां अक्सर कहती हैं कि सीमलेस एक्सपीरियंस, यानी कि बिल्कुल सीम, मतलब सीमलेस मतलब समझते हो, जैसे मैं आपको कैसे, आपने बॉल देखी क्रिकेट की बॉल में आपने क्या देखा होगा कि जो क्रिकेट की बॉल होती है, चाहे उसमें स्पिन का खेल हो या स्विंग का खेल हो, वो सारा खेल जो उसकी सीम होती है उसी का रहता है ना। सीम क्या होती है, जहां पर उसकी सिलाई होती है, तो वहां पे वो बॉल उठी रहती है, आपने देखा होगा। तो जो क्रिकेट की बॉल है उसमें सीम आ रही है। अच्छा, अगर मान लो सीम ना हो, जैसे हम लोग जब टेनिस बॉल से खेलते हैं उसमें सीम ही नहीं होती है, तो एकदम वो चिकनी होती है बॉल, पूरी तरीके से स्मूथ होती है, लेकिन जब सीम आ जाती है तो वहां पे रुकावट आ रही है बॉल में, आप समझ रहे हैं, उस सीम की वजह से स्पिन हो रही है गेंद। अगर सीम नहीं होगी तो इतनी सारी कलाकारी जितनी क्रिकेटर्स करते हैं बॉल के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो सीम, अब सीमलेस यानी कि वो हटा दें, सीम हटा देंगे तो यानी कि जो अवरोध है वो खत्म हो जाएगा, और अवरोध खत्म हो जाएगा यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ गए होंगे शायद सीमलेस, अब आप भूलेंगे नहीं कभी। तो सीमलेसली मतलब हो गया स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली विद नो अपेरेंट गैप्स और स्पेसेस बिटवीन वन पार्ट एंड द नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईच सॉन्ग इज सीमलेसली इंटीग्रेटेड इन टू द फिल्म, यानी कि फिल्म से बहुत ही अच्छे से जुड़ा है, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा है हर गाना। सिनोनिम हो जाएंगे एब्सोल्यूट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, आइडियल, इमैकुलेट, इम्पेकेबल, इनडिफेक्टिबल, इररेप्रोचेबल, लेटर परफेक्ट, परफेक्ट पिक्चर बुक, पिक्चर परफेक्ट, अनब्लेमिश्ड। अगला है हमारा लैप्स। लैप्स का मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट एटसेट्रा टू फिनिश और स्टॉप, ऑफन बाई एक्सीडेंट। तो अनुबंध, करार आदि का समाप्त होना प्राय लापरवाही से, किसी चीज का लैप्स हो जाना, जैसे वो मेरी फीस लैप्स कर गई, यानी खत्म हो गई, तो माय मेंबरशिप हैज बीन लैप्स बिकॉज आई फॉरगॉट टू रिन्यू इट। तो सिनोनिम हो जाएंगे डिफंक, डन, एक्सपायर्ड, फिनिश्ड, ऑब्सोलेट, ओवर, पासे, डेड, आर्काइक, पेरिस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगला है क्लाउट। क्लाउट का मतलब होता है हिट समवन और समथिंग हार्ड, बहुत तेजी से मारना। आई क्लाउटेड हिम राउंड द हेड, मैंने उसको हेड पे मारा। सिनोनिम हो जाएंगे बैंग, बैश, बैट, बीट, बेल्ट, बिफ, ब्लो, पॉप, बॉप, बॉक्स, ये सारे सिनोनिम हो जाते हैं। इसके अलावा एसेंडेंट, एसेंडेंट का मतलब होता है राइजिंग इन पावर, यानी बढ़ रहा है, एसेंड कर रहा है यानी कि बढ़ना, सत्ता या शक्ति में वृद्धि करते हुए उदयमान होना, बढ़ता हुआ, प्रभुत्वशाली। सिनोनिम हो जाएंगे असेंडिंग, सोरिंग, एरी, एलिवेटेड, हाई, नोज़ब्लीड, ओवरहेड, बढ़ने के सेंस में। वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब होता है टू डिफीट somebody completely इन अ कंटेस्ट, वॉर, एटसेट्रा।
स्पर्धा या युद्ध में किसी को परास्त करना, पूरी तरीके से हराना। सिनोनिम हो जाते हैं कॉन्कर करना, डोमिनेट करना, ओवरपावर, पैसिफाई, सबड्यू, सब्जेक्ट, सब्जुगेट या सबऑर्डिनेट। और शार्ड का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रोकन सिरामिक मेटल या कुछ का टूटा हुआ टुकड़ा। शार्ड ऑफ ग्लास फ्लू इन ऑल डायरेक्शन, जैसे स्क्विड गेम्स का जो लास्ट गेम होता है ना, तो उसमें वो शार्ड ऑफ ग्लासेस उड़ते हैं, यानी कि ग्लासेस टूट के उड़ते हैं। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है किसी को फ्लैट फ्लैटर करना, यानी कि किसी को खुश करना, किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना, लाभ के इरादे से दिखावटी प्रशंसा करना। एड्यूलेटेड, बिलॉडेड, ब्लार्नेड, बटर्ड अप, हीरो वर्शिप करना, हनीर करना, मसाज करना, ये सारे सिनोनिम हो जाते हैं। बाउ आउट मतलब हो जाता है विड्रॉ और रिटायर फ्रॉम एन एक्टिविटी और रोल, किसी रोल से अपने आप को रिटायर कर लेना या रिटायर हो जाना। शी हैंडेड इन अ रेजिग्नेशन लेटर डिसाइडिंग इट वॉज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर हर टू बाउ आउट। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो घटित होने वाला है, समथिंग विच इज अनफेवरेबल, कुछ निगेटिव चीज जो घटित होने वाली है। यूजली यूज अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून। तो हैवी रेनफॉल मीन्स दैट फ्लडिंग इज इमिनेंट, यानी कि भारी बारिश का मतलब है कि जो बाढ़ है वो आनी ही आनी है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पेंडिंग, लूमिंग, पेंडिंग या थ्रेटनिंग। ग्लीन का मतलब होता है आपका ग्लीन, देखिए ग्लीन होता है इन्फॉर्मेशन के लिए और मस्टर होता है करेज। तो मस्टर करेज यानी कि साहस इकट्ठा करना और ग्लीन इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट होता है वेल्थ के लिए, तीन वर्ड होते हैं। ग्लीन आता है आपका इन्फॉर्मेशन के लिए और मस्टर आता है आपका करेज के लिए और इसके अलावा आपका था एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट आता है आपका वेल्थ के लिए। ठीक है, तो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एटसेट्रा समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस, प्रयास पूर्वक और प्रायः विभिन्न स्रोतों से सूचना ज्ञान आदि का संग्रह। दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज। सिनोनिम्स हो जाएंगे गैदर करना, हार्वेस्ट, रीप, प्लांट, स्नो, जर्मिनेट, क्विकन, राइपन, रूट या स्प्राउट। ठीक है, टर्मोइल का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन, शोरगोल या खलबली या अनिश्चितता की स्थिति होना। His mind was in turmoil, यानी काफी ज्यादा परेशान था। Synonyms हो जाते हैं disquiet, ferment, fermentation, restiveness, restlessness। Yearn का मतलब हो जाता है किसी दुर्लभ चीज के लिए बहुत ज्यादा लालायित होना, बहुत अधिक इच्छा करना किसी चीज को पाने की। Long, pine, agonize, chafe, bother, fear, ये इसके synonym हो जाएंगे। अब editorial हमारा है shorter and shorter on Indian cricket's transition phase। कह रहा है कि जो क्रिकेट का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव करना, चीजें बदलती हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फेज में है, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। तो भारत का जो क्रिकेट है वो एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है। इंडियन क्रिकेट इज इन ट्रांजिशन फेज, भारत का क्रिकेट ट्रांजिशन फेज में है एज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप गेट्स अंडरवे, जैसे कि टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है। 2020 फॉर्मेट सीम्स टू बी क्रिकेट्स ओवरवेलमिंग फ्लेवर एट प्रेजेंट, और जो T20 फॉर्मेट है आज की तारीख में क्रिकेट का ओवरवेलमिंग फ्लेवर समझ में आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है, सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, फ्लेवर क्रिकेट का मालूम पड़ता है। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कमेंस्ड लास्ट संडे, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग खत्म हुई और तुरंत T20 वर्ल्ड कप हमारा शुरू हुआ संडे को, कमेंस्ड मतलब शुरू हुआ। बोथ चैंपियनशिप्स ड्रॉप्ड एंकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स UAE। अब देखो एंकर का मतलब क्या होता है आपने नाव देखी कभी? नाव देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो नदी के किनारे जाओ, नाव दिखेगी। तो जहां पे नाव होती है उस नाव को, क्योंकि उन्हें पानी में ही डाले रहना होता है, अगर आप बार बार उसको तट पे लाएंगे तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो पानी में पड़ी रहती है। बट पानी में वो बह ना जाए उसके लिए वो एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, कीला सा टाइप का समझ लो, कील टाइप से होता है, उसको वो जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे कि नाव जो है वो एट एंकर रहती है, उससे बंधी रहती है और वो बहती नहीं है। तो बोथ चैंपियनशिप्स ड्रॉप्ड एंकर इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि दोनों ही चैंपियनशिप्स ने अपना लंगर कहाँ डाला? यूएई में डाला, यानी कि दोनों ही चैंपियनशिप्स यूएई में हो रही हैं। ओरिजिनली देवर स्केड्यूल्ड टू हेल्ड इन इंडिया बट द COVID-19 पैंडेमिक फोर्स्ड अ चेंज इन द वेन्यू। तो शेड्यूल्ड को हम शेड्यूल्ड भी पढ़ सकते हैं और स्केड्यूल्ड भी पढ़ सकते हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल्ड है और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल्ड है, तो इसीलिए कई बार आज की तारीख में आप ज़्यादातर स्केड्यूल्ड सुनेंगे, क्योंकि सबको अमेरिकन बनना है। ठीक है, अब लोग अंग्रेज नहीं अमेरिकन बनते हैं। कह रहा है कि ओरिजिनली देवर स्केड्यूल्ड टू हेल्ड इन इंडिया, भारत में पहले होने वाली थी लेकिन COVID-19 पैंडेमिक ने
इसके वेन्यू को चेंज करने पे फोर्स कर दिया। द बोर्ड ऑफ बीसीसीआई इन इंडिया शिफ्टेड द फ्रेंचाइज बेस्ड लीग एंड द मल्टीनेशनल इवेंट टू द यूएई एंड मैनी प्लेयर्स हैव सीमलेसली मूव्ड ऑन फ्रॉम क्लब टू कंट्री। कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो भारत की बीसीसीआई है उसने मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है इंडिया का उसने फ्रेंचाइज बेस्ड लीग आईपीएल को और जो मल्टीनेशनल इवेंट है उसे यूएई में शिफ्ट कर दिया और भारत के बहुत सारे प्लेयर्स सीमलेसली बहुत आराम से क्लब से कंट्री की उसमें मूव हो गए। नियरली अ वीक हैज लैप्स्ड, कह रहा है कि लगभग एक हफ्ता जा चुका है सिंस द लेटेस्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मेड इट्स इनिशियल स्टेप्स अंडर द वेस्ट एशियन स्काइज ड्यूरिंग विच लेसर प्लेज टीम्स ट्राइड टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 12 सेगमेंट दैट फॉर्मली स्टार्ट्स टूडे। कह रहे हैं कि नियरली एक हफ्ता हो चुका है जब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ने के इनिशियल स्टेप्स वहाँ पे चले जा चुके हैं। पश्चिमी एशिया में के भारत के आसमान के नीचे ही चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि जो काफ़ी निचले स्तर की टीम्स थी उन्होंने अपने सुपर 12 के सेगमेंट से क्वालिफाई करने की कोशिश की जो कि आज से शुरू होगा, मतलब फॉर्मल आज से शुरू होगा। This, in fact, is the real deal. और ये सबसे real deal है. And nothing can get better than the Super 12 Group 2 match that pits India against Pakistan in Dubai on Sunday. कह रहा है कि और इससे मतलब कुछ भी इससे बड़ा नहीं हो सकता Super 12 के Group 2 के match से जो कि भारत और पाकिस्तान का दुबई में मुकाबला होने वाला है संडे को। In ICC events, India holds the edge over its neighbor beyond the Radcliffe line, but for a vast generation of fans, cricketing skirmishes involving the two in the UAE often draw in difficult memory. तो कह रहा है कि ICC events की अगर हम बात करें, India holds the edge over its neighbor beyond the Redcliffe line. कह रहा है कि अगर हम ICC events की बात करें, तो भारत को edge रहती है अपने पड़ोसी के ऊपर हमेशा एज रही है बियॉन्ड द रेडक्लिफ लाइन, वो रेडक्लिफ लाइन से भी ऊपर है। बट फॉर अ वास्ट जनरेशन ऑफ फैंस क्रिकेटिंग स्कर्मिशेस इन्वॉल्विंग द टू इन द यूएई ऑफन ड्रॉ इन अ डिफिकल्ट मेमोरी। कह रहा है कि लेकिन जो लोगों ने बहुत लंबे समय से क्रिकेट फॉलो किया जनरेशन ऑफ फैंस के लिए क्रिकेटिंग स्कर्मिशेस मतलब एक तरीके से द्वंद युद्ध, स्कर्मिशेस मतलब एक तरीके से युद्ध की मतलब झगड़े की बात करिए, बट यहाँ पे मैच के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि क्रिकेटिंग जो फाइट्स हुई हैं इन्वॉल्विंग जिसमें भारत और पाकिस्तान इन्वॉल्व हुए हैं यूएई में, उन्होंने कई बार बहुत ही डिफिकल्ट मेमोरीज भी निकाल के आई सामने आई हैं। नॉट मैनी कैन फॉरगेट जावेद मियादाद क्लाउटिंग अ लास्ट बॉल सिक्स ऑफ चेतन शर्मा एंड विनिंग फॉर पाकिस्तान द ऑस्ट्रेलिया एशिया कप इन ऑस्ट्रल एशिया कप इन 1986। तो वो यही कह रहा है कि जिन लोगों ने लंबे समय से क्रिकेट फॉलो किया है उनके लिए कुछ खराब मेमोरीज भी हैं यूएई से। मतलब कह रहा है कि कोई नहीं भूल सकता है कि जावेद मियादाद ने जब लास्ट बॉल पे चेतन शर्मा के लास्ट बॉल पे सिक्स मार दिया था तो पाकिस्तान जीत गया था और ऑस्ट्रेलिया एशिया कप जीत गया था 1986 में। उसके बाद इंडिया वॉज ऑन द एसेंडेंट, उसके बाद भारत हमेशा ऊपर चढ़ता चला गया। दिस ट्रेंड वॉज स्पेशली एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियरली विजिबल, एविडेंट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। तो ये जो ट्रेंड था ये क्लियरली विजिबल था व्हेन एमएस धोनीज मैन वन द इनॉग्रल मतलब इनॉग्रेशन, जैसे घर में तुम्हारे गृह प्रवेश हो तो उसे इनॉग्रेशन सेरेमनी कहते हैं, किसी भी चीज का शुभारंभ उद्घाटन समारोह होता है उसे इनॉग्रेशन समय सेरेमनी कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो आईसीसी वर्ल्ड T20 इनॉग्रल इन 2007 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था T20 का, तो वही कह रहा है कि ये ट्रेंड क्लियरली विजिबल है जब एमएस धोनी ने जो पहला T20 वर्ल्ड कप था वो जीता। एज द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट्स वर्ल्ड कप वॉज देम कॉल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 2007, तब सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में 2007 में हुआ था। द वैंक्विस्ड मतलब जिसे बुरी तरीके से हरा दिया गया, अपोजिशन वॉज पाकिस्तान, और अपोजिशन कौन था, पाकिस्तान था। एंड दो शार्ट्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि वो जो हिस्ट्री के टुकड़े हैं जैसे कांच के टुकड़े, वो हिस्ट्री के जो टुकड़े हैं विल लैंड एन एज टू द लेटेस्ट बाउट। बाउट मतलब होता है जो बॉक्सिंग का एक मैच होता है उसे बाउट कहते हैं। तो वो कह रहा है कि वो जो हिस्ट्री के टुकड़े हैं वो एक एज जो लेकर जरूर आएंगे इस मुकाबले में फिर से। बट आफ्टर विनिंग द टाइटल इन 2007 इंडिया हैज सबसिक्वेंटली फ्लैटर्ड टू डिसीव। कह रहा है कि मतलब उसके बाद भारत ने एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, फ्लैटर्ड टू डिसीव। ठीक है, मीनवाइल विराट कोहली गेट्स अनदर चांस टू ले हिज हैंड्स ऑन आईसीसी सिल्वरवेयर व्हिच रिमेन्स अ मिसिंग लिंक इन हिज कैप्टेंसी रिज्यूम। कह रहा है कि वो और मीनवाइल विराट कोहली को एक और चांस मिल रहा है अपनी आईसीसी की एक ट्रॉफी पे, सिल्वरवेयर बोला इन्होंने ट्रॉफी को, कितना बढ़िया टर्म इस्तेमाल किया देखिए, सिल्वरवेयर मतलब आईसीसी की एक ट्रॉफी पे फिर से हाथ रखने का विराट कोहली को चांस मिल रहा है जो कि उनकी कैप्टेंसी में अभी तक मिसिंग लिंक रहा है। दैट ही इज ऑल्सो गिविंग अप हिज टी ट्वेंटी कैप्टेंसी आफ्टर द चैंपियनशिप
शुड पुश हिम फर्दर टूवर्ड्स दिस गोल. और चूंकि वो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद में अपनी कैप्टेंसी भी छोड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए, उनको इस बार और ज्यादा पुश करना चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. कह रहे धोनीज प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम एज अ मेंटोर, और धोनी की जो एज अ मेंटोर ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस है, वाइल द कोचिंग स्टाफ लेड बाई रवि शास्त्री प्रिपेयर टू बो आउट आफ्टर अ फ्यू वीक्स. बो आउट मतलब वो भी रिटायर होने वाले हैं, तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स रवि शास्त्री भी छोड़ने वाले हैं, इज इंडिकेटिव ऑफ द इमिनेंट लीडरशिप ट्रांजिशन विद इन द इंडियन रैंक्स. वो यही कह रहा है, और ये इशारा करता है जो इमिनेंट मतलब जो होने ही वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है, जो बदलाव होने वाला है भारत की लीडरशिप में. विद इन इट्स, देखो वैसे तो ये एडिटोरियल ऐसा है जो सबको समझ में आ जाएगा. अब देखो क्या होता है, ये एडिटोरियल जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादातर को समझ में भी सब आ रहा होगा और मतलब मज़ा ही आ रहा होगा. कई लोग सोच रहे होंगे क्यों ही चूज़ किया, मैं खुद पढ़ लेता इसको. ये फ़र्क होता है, जब आपके रुचि का टॉपिक होता है, जब आपके नोन का टॉपिक होता है, तो आप ज़्यादातर शब्द जानते हैं. और यहीं पर अगर मैं एक इकोनॉमिक्स का एडिटोरियल ले लूँ या और किसी ऐसे टॉपिक का ले लूँ जिसके आपके जिसमें आपकी रुचि नहीं है, वहाँ पे हमें दिक्कत आती है. क्यों आती है? क्योंकि उससे जानने वाले शब्दों से हम परिचित नहीं होते हैं. यहाँ पे ज़्यादातर शब्दों से परिचित हैं, नहीं तो हमें सिनेरियो पता है, हम अर्थ निकाल लेंगे. ये फ़र्क पड़ता है. तो इसीलिए रीड हमें सारी कैटेगरी का करते रहना है, जिससे कि हमें सब समझ में आने लगे. और जिस दिन ये एडिटोरियल समझ में आने लग गया, उस दिन अंग्रेजी तुम्हारी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी. कह रहा है विद इट्स प्लेयर्स हैविंग फीचर्ड इन द प्रीवियस IPL एंड द एडेड कॉन्फिडेंस ग्लीन्ड फ्रॉम द वार्म अप विक्ट्रीज ओवर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज इन गुड प्लेस. कह रहा है कि इसके प्लेयर जो अभी हाल ही में IPL खेल के आए हैं, साथ ही साथ इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, ग्लीन्ड है मतलब बढ़ा हुआ है वार्म अप विक्ट्रीज से, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो भारत एक अच्छी स्थिति में है. डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, मैनी फैंसी दियर चांसेस, बट दिस टूर्नामेंट इट्स इजेंट एंटायरली अबाउट द एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स. कह रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये बहुत सारे लोग फैंसी मतलब इमेजिन कर रहे हैं, अपने चांसेस को ट्राई करेंगे, लेकिन दिस टूर्नामेंट सिर्फ एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स के बारे में नहीं है. ये टूर्नामेंट सिर्फ, इट इज ऑल्सो अबाउट स्कॉटलैंड पुशिंग इट्स वे इन और अफगानिस्तान टर्निंग अप डिस्पाइट द टर्माइल बैक होम. तो ये बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि सिर्फ इस बारे में नहीं है कि जो लोग खेल जो देश खेल लेते हैं वो तो खेल ही लेते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट इसके बारे में भी है कि देखो स्कॉटलैंड ने अपना रास्ता बनाया सुपर 12 तक. तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्कॉटलैंड जिसे हम जानते भी नहीं थे वो अब सुपर 12 में भारत के साथ खेलेगा. और अफगानिस्तान टर्निंग अप यानी अफगानिस्तान भी खेलेगा सुपर 12 में, जबकि वहाँ पे उनके जो घर में काफ़ी ज़्यादा युद्धरत सिचुएशंस हैं, टर्मोइल है, काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं. होप फ्लोट्स एंड इंडिया यर्न्स टू फिनिश ऑन द विनिंग साइड व्हेन द चैंपियनशिप एंड्स ऑन द November 14. कह रहा है कि हमारी आशाएं फ्लोट करती हैं, हम चाहते हैं और भारत लालायित है, इच्छा चाहता है कि वो फिनिश करे विनिंग साइड पे, चैंपियनशिप पे, जब November 14 को चैंपियनशिप ख़त्म हो. ठीक है, तो ये इजी सा एडिटोरियल था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. वही मैंने जो बताया कि जब आपकी रुचि का टॉपिक होता है आपको ज़्यादा समझ आता है, बट जब आपकी रुचि का टॉपिक नहीं होता है आपको नहीं समझ आता. इसीलिए हम डेली एक अलग अलग टॉपिक्स लेते रहेंगे और हम उनको डेली पढ़ते रहेंगे. तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे. थैंक यू सो मच.